दोस्तों आज का वीडियो भी फुल प्रैक्टिकल कॉम्बो आपके लिए रहने वाला है। तीन टॉपिक आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। एक तो सबसे पहले जो हैच बीम होता है या जो हमारा बरांडा होता है जो लॉबी होती है, तो उसमें हमें लटक बीम नहीं देना होता है कि हमारा नीचे बीम दिखे नहीं, तो उसमें हम बीम कैसे देते हैं, क्या चीज़ें ध्यान देनी है। दूसरा टॉपिक रहेगा कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये कौन सी कंपनी का, कौन सी चीज़, कौन सा केमिकल, वो सब चीज़ें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो सामने आप जो बीम देख रहे हैं वो है फ्लैट बीम। फ्लैट बीम क्या हो गया, कंसील्ड या हिडन बीम क्या हो गया, जो स्लैब जितने की आपकी स्लैब होगी ना, 6 इंच की है, 5 इंच की है, उतने की ही बीम की डेप्थ होगी, वो बीम नीचे नहीं दिखेगा। काफ़ी जगह क्या होता है, बरांडा होते हैं, हाँ लॉबी होती है, जहाँ आपका हॉल होता है, हॉल में क्या होगा, नीचे अगर बीम दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखता है, आपने काफ़ी जगह देखा होगा। तो उसी को सही करने के लिए जो हिडन बीम होते हैं वो दिए जाते हैं, तो आज मैं उसी पे बात करूँगा, हिडन बीम के बारे में बताऊँगा थोड़ी बेसिक डिटेल आपको। देखो हिडन बीम ऐसा है, आप एज ए कैंटिलीवर इसको दे सकते हो, एज ए सिंपल सपोर्टेड बीम दे सकते हो, हिडन बीम को आप कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मैं इधर दिखाऊँ, ये साइड के जो फट्टे के साइड साइड जा रहा है, ये एज ए कैंटिलीवर बीम यहाँ प्रोवाइड किया गया है यहाँ छज्जे में। और यहाँ इस तरफ आपको दिखाऊँ मैं, तो यहाँ क्या था, बरांडा था, बड़ा बरांडा था, तो उसमें हॉल में हमने हिडन बीम प्रोवाइड किया है कि नीचे भी वो बीम दिखेगा नहीं और उसको अच्छे से सपोर्ट भी मिल जाएगी, नीचे झुकने का डर नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है, जहाँ नीचे छुपाया जाता है कि नीचे हम बीम नहीं दिखाएंगे और ऊपर बीम, फ्लैट बीम नहीं, हिडन बीम नहीं दिया जाता है, उससे क्या होता है छत थोड़ी झुक गई होती है। काफ़ी कमेंट्स भी आए और व्हाट्सएप पर भी आए कि सर हमारी छत थोड़ी थोड़ी झुक रही है, थोड़ा 17x20 का एरिया था, 17x20 का एरिया था, तो छत थोड़ी झुक रही है, अगर कोई उस पर जंप भी करता है तो वो वाइब्रेट करती है। तो यही रीज़न होता है, क्या करते हैं, नीचे बीम नहीं दिखे या बीम, टी बीम नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ सिर्फ स्लैब का सरिया होता है और वो वीक पड़ जाती है सेक्शन। तो आपको क्या करना है, नीचे बीम भी नहीं दिखेगा और ऊपर आपको अच्छा स्ट्रेंथ भी मिलेगा, आप उस पर कितने भी लोड डालोगे उस हिसाब से वो टिका रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लैट बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें आपकी स्टील डिटेल क्या रहेगी, अगर देखो 17x20 का, जैसे मेरे को एग्जांपल मेरे को उसने पूछा था, तो 17x20 का होगा तो 3 नग 16 के टॉप में, 3 बॉटम में, तो बाकी जो स्टील का सरिया होगा 12 का मेन बार और 10 का डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो उस स्लैब को कुछ दिक्कत नहीं होगी अगर इतना आपका स्पैन है 17x20 का। तो यही चीज़ है सामने आप देख रहे हो, लंबा जो बीम प्रोवाइड किया, इसमें भी क्या है, 3 ऊपर 16 के हैं, 3 नीचे 16 के, और जो स्टीरो प्रोवाइड किया है 10 mm का स्टीरो प्रोवाइड किया है, कितने 6 इंच पे। तो ये चीज़ है, आपको हमेशा हिडन बीम ऐसे प्रोवाइड करना है, नीचे ना दिखेगा ना उसका कुछ होगा। ये जो भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं, AAC ब्लॉक या सीमेंट, तो मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर ऐसा बताओ कि कौन सी कंपनी का सीमेंट अच्छा है, AAC ब्लॉक की कंपनी कौन सी अच्छी है, जो भी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होता है उनकी बेस्ट कंपनी कौन सी है, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फुल डिटेल मैं दूंगा, 25 आइटम है, उनके मैं 5-6 कंपनी ऐसी बता दूंगा जो आप अगर यूज़ करते हो काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्यों अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज यही सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, वो उसका पहले टेस्ट करवाते हैं, फिर चेक करते हैं कि वो मटेरियल अच्छा है कि नहीं, तो वो ही रिपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला, जिसमें मैं फुल डिटेल आपको दूंगा कि ये मटेरियल अच्छा है कि नहीं। तो कंप्लीट वीडियो देखोगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या है, क्या क्या मटेरियल है, और ये रिपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा, 2-3 दिन में ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट कर देना जिसको जिसको ये रिपोर्ट चाहिए होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या मटेरियल है और उसकी अच्छी कंपनी कौन सी है। तो सबसे पहला मटेरियल है वो है OPC 53 ग्रेड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और इसमें हमारे 3 ग्रेड आते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अगर आप कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग ये सब करना चाहते हो तो 53 ग्रेड सबसे बेस्ट है, यही आपको यूज़ करना है। तो इसका सबसे अच्छी कंपनीज कौन सी है, क्योंकि ये जो नाम लिखे हैं ये इनके पहले टेस्ट हुए हैं, ये जो सीमेंट है इनके पर प्रॉपर से लैब टेस्ट हुए हैं, फिर इसको डिसाइड किया गया है कि ये आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छे हैं। तो सबसे पहला नाम है वो है आदित्य बिरला ग्रुप, इसका जो सीमेंट आता है OPC 53 ग्रेड वो अच्छा है। फिर दूसरा है श्री दिग्विजय सीमेंट, ये इसीलिए मैंने ज़्यादा सीमेंट लिए हैं क्योंकि कई स्टेट में ये सीमेंट अवेलेबल होंगे, कई स्टेट में दूसरी सीमेंट अवेलेबल होंगे, तो ये सब नाम लिख दिए हैं। ये कंपनी का आपको कोई भी सीमेंट मिलता है आप इसको यूज़ कर सकते हो, और उसमें मस्ट ग्रेड देखना कि 53 ग्रेड है और साथ में देखनी है उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है। ये दो चीज़ें जब भी सीमेंट लोगे ये ध्यान देना, 53 ग्रेड लेने और वो 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा है सौराष्ट्र सीमेंट, चौथा है सिद्धि सीमेंट, फिर है अंबुजा सीमेंट, हाई बॉन्ड सीमेंट, शंघाई सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप का, फिर श्री दिग्विजय अंबुजा सीमेंट, और सॉरी ये हमारे OPC के
कितना संगीव है सीमेंट के तक है, और इसमें एक अल्ट्राटेक नहीं लिखा है, अगर अल्ट्राटेक भी मिलता है अल्ट्राटेक भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर है हमारा पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, पीपीसी सीमेंट, तो इसमें कौन कौन से, आदित्य बिरला ग्रुप का सीमेंट जो आता है, अंबुजा सीमेंट, सिद्धि और सौराष्ट्र सीमेंट आपके लिए अच्छा है। एसआरसी सीमेंट मतलब सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, उसका कौन कौन सी कंपनी अच्छी है, दिग्विजय जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर हम एडमिक्चर जो यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा है, फोसरो का आता है, सिक्का का और BASF का, रेडी। फिर हमारा है क्यूरिंग कंपाउंड, यहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता है, क्यूरिंग करने के लिए हम कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से का अच्छा है, फोसरोक अच्छा है, सिक्का है, कैम्प बॉन्ड है, BASF है, फेयरमेट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फोसरोक और सिक्का का मिल जाता है तो फेयरमेट आप यूज़ मत करो। नेक्स्ट है SSC एडमिक्चर PC बेस विद नेचुरल रिवल सैंड, कौन कौन सा होता है, सिक्का और BASF का। फिर जो ग्राउटिंग होती है, ग्राउटिंग कौन कौन सा मटेरियल अच्छा आता है, वो है फेयरमेड, इसमें नॉन शिंकई ग्रुप टाइप टाइप G1 G2, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। फिर सिक्का का और रेड बॉब का और कैम बॉन्ड का आप यूज़ कर सकते हो। फिर एपॉक्सी ग्राउंड फोसरोक का, सिक्का का, फेयरमेड, BASF, आगे AAC ब्लॉक का वो मस्ट देखना है आपको। फिर फ्लोर हार्डनर जो होते हैं सिक्का और फोसरोक का। फिर जो मेन चीज़ थी AAC ब्लॉक का, वो मेरे को काफ़ी दिनों से बोल रहे थे सर कोई अच्छी कंपनी तो बताइए, तो AAC ब्लॉक आपको यूज़ करना है, बिल्टेक का आता है, JVS, कॉम्पेस्टको, HIL, मोरबी, बागोडारा, बल्वा, प्रोकोन का काफ़ी अच्छा होता है, अगर आपको प्रोकोन का मिलता है तो आपको यूज़ करना है। उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता कर लेनी है, जब भी आप वेंडर से लेने जाओ 4 N/m² होनी चाहिए, और जो ड्राई डेंसिटी उसकी होनी चाहिए 5512650 kg/m³, ये चीज़ हमेशा आपको चेक करनी है जब भी आप लेने जाओगे। फिर फ्लाई ऐश अगर जिनको चाहिए तो फ्लाई ऐश कौनैस इंफ्रास्ट्रक्चर की, एम्स की, जयश्री व्यापार लिमिटेड की और जयश्री व्यापार राजकोट का, मतलब गुजरात का आइटम है, तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है। अगली आइटम जो है मैं वो बता देता हूँ आपको, आइटम जो है वो है हाइड्रोफिलिक वाटर बार, जो वाटर बार हम यूज़ करते हैं, तो वो सिक्का इंडिया का वाटर बार कहाँ यूज़ करते हैं, जो भी हमारे ट्रेनिंग वाले होती हैं उनमें जहाँ जॉइंट पड़ता है, जहाँ कॉलम, कहीं भी हम वाटर बार को यूज़ कर सकते हैं कि पानी अंदर नहीं आए जॉइंट से, वहाँ हम वाटर बार यूज़ करते हैं, SW का, फेयरमेड का। फिर इंटरनल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं जिससे हम अच्छी वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, वो फोसराव का है, सिक्का का है, कैम्बोंड का है, फेयरमेड का है और TP बिल्टिक का है। और सीलेंट जो यूज़ करते हैं हम टाइल में, या हमारे जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते हैं या एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट, तो उसमें कौन सा है, फोसरोक, फेयरमेड और कैम्बोंड का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। ये जो हमारा मेन बार पड़ता है वो कहाँ आपको डालना होता है और क्रैंक बार कैसे डालता है, कल भी इस पर एक वीडियो रहा था तो उसमें काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो आज का वीडियो उसी पे मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो सामने आप देख रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान देना है जब भी आपका जो भी मेन बार पड़ेगा, अगर हम अल्टरनेट बेंटअप की बात करें या ऐसे मेन बार की बात करें, वो आपका हमेशा शॉर्टर स्पैन में रहेगा। तो इसी स्पैन की अगर हम बात करें जहाँ ये मार्किंग की जा रही है, देखो होता क्या है, ये शॉर्टर स्पैन पे मार्किंग की जा रही है, यहाँ जो ड्राइंग में मेंशन था 135 के सेंटर से आपको मेन बार प्रोवाइड करना है अल्टरनेट बेंटअप। तो हम ये देखो, ये पहले आप स्पैन देख लो, ये लंबा स्पैन इस तरफ है और छोटा इस तरफ पड़ता है, मतलब ऐसे लंबा ये है 8 मीटर और ऐसे है ये 4 मीटर। में एक बार आपको साइड से भी दिखा देता हूँ, ये हो गया लंबा, आपको दिख गया कितना बड़ा स्पैन है, बीम के अंदर अंदर देखना। तो इसमें हमें छोटे स्पैन पे मेन बार प्रोवाइड करना है और बड़े स्पैन पे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमेशा जब आप मेन बार प्रोवाइड करोगे, मैं दिखाता हूँ क्या कैसे होता है, पहले जो जैसे मैंने कहा 135 का सेंटर रहेगा, पहले आपको जो सिंपल मेन बार होगा वो आपको प्रोवाइड कर देना है। ये देखो जैसे हमने डाल दिया, ये बीम के अंदर जाएगा, ये देखो सामने दिख रहा है आपको, बीम के अंदर चला गया और इसमें 135 से ज़्यादा जगह दिख रही होगी आपको, क्यों, क्योंकि जो इसके बीच ऊपर सरी आएगा वो अल्टरनेट बेंटअप अभी आने वाला है। ये देखो स्पेसिंग कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ बीच बीच में अभी अल्टरनेट बेंटअप बार आ जाएगा, वो क्या करेंगे, वो बीम के ऊपर से हमेशा जाता है और ये ऊपर इसमें सरिया हमने बांध दिया, ये नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके ऊपर बेंटअप डाल दिया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया जाएगा, फिर बेंटअप मार के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका हम बांध देते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है, शॉर्टर स्पैन में आपको मेन बार प्रोवाइड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम आपको बेंटअप डाल के ये सब चीज़ें करनी होती है। आई होप आपको समझ लग गया होगा, इस पर और प्रैक्टिकल वीडियोस आती जाएंगी, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस।